Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 12 of CPC. Aaj hum padhenge order 7, that is plaint. Before starting, main aapko ye bata dun ki hamare channel par CPC ki ek proper series humne start ki hai jahan par hum lecture 12 aaj padhenge. So it means humne previous 11 lectures mein bahut kuch hum discuss kar chuke hain. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से लिंक्स अवेलेबल हैं. वहाँ पर क्लिक करके आप सीपीसी की एज वेल एज वेरियस अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं. सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7, दैट इज़ प्लेंट. देखिए, एक बेसिक आपको इतना पता होगा कि प्लेंट क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया तो बार बार हमने प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, समन्स, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, इन वर्ड्स से अभी तक आप भली भांति परिचित हो गए होंगे. सो प्लेंट बेसिकली आपसे कोई अगर जनरली पूछे तो प्लेंट क्या होता है. प्लेंट इज़ कि सपोज़ मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहती हूँ तो मैं जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के थ्रू वो सूट इंस्टीट्यूट करूँगी दैट डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एज प्लेंट. सो प्लेंट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट बाय विच अ सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड. अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 1, दैट इज़ पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट. कि एक प्लेंट के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए. ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा एक पर्सन अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है. लेकिन उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस प्लेंट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए. सो रूल 1 हमें यही बताता है कि प्लेंट के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स होने चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ द नेम ऑफ कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट. जिस भी कोर्ट के अंदर आप कोई सूट लेकर के आ रहे हैं उस कोर्ट का नाम प्लेंट के अंदर होना चाहिए. ओके, तो आपने देखा होगा कि जब आप ड्राफ्टिंग प्लीडिंग सीखते हैं तो वहाँ पर आप प्लेंट लिखना सीखते हैं, तो सबसे ऊपर उसमें आप कोर्ट का नाम डालते हैं कि इन द कोर्ट ऑफ दिस दिस दैट. इस तरह से इन द कोर्ट करके जो आप लिखते हैं दैट इज़, यानी नेम ऑफ कोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके अंदर होना चाहिए. सेकेंड इज़ द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ. अब आप क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे. डिस्क्रिप्शन मीन्स अपनी एज उसके अंदर लिखनी होती है या प्रॉपर अपना एड्रेस वगैरह वहाँ पर बताना होगा. थर्ड थिंग इज़ द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट. साथ ही जो डिफेंडेंट है उसका भी नाम, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्लेंट के अंदर होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज़ वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज़ अ माइनर. यदि जो प्लेंटिफ है वो माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वो इस बारे में भी प्लेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए कि जो प्लेंटिफ है वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, जिसकी वजह से जो सूट है वो नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा या हम कहें गार्जियन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया जा रहा है. ओके, यहीं पर देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो यदि वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो वो कैसे कैपेबल होगा उस सूट को कंटिन्यू करने के लिए, है ना. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जब आप आगे सीपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं जहाँ पर आपको मिलेगा कि किस तरह से माइनर के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसके बिहाफ पर भी किस तरह से गार्जियन या हम कहें नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो सूट को कैरी ऑन कर सकते हैं. ओके, बट स्टिल आपको ये याद रखना होगा कि प्लेंट में इस बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा. नेक्स्ट इज़ द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन. आप ये भी बताएंगे प्लेंट में कि किस वजह से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ. मीन्स एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ. कि सपोज़ आप कहते हैं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था
और उस कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस हैं वो दूसरे पर्सन ने फुलफिल नहीं किए, तो उस वजह से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो जिस भी वजह से जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को भी आपको उस पर्टिकुलर प्लेंट के अंदर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज फैक्ट्स शोइंग द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन। आपको ये भी बताना होगा कि आप इस पर्टिकुलर कोर्ट में ही क्यों आए हैं, मीन्स आप जब प्लेंट फाइल कर रहे हैं उस प्लेंट को लेकर के आपने इस कोर्ट में क्यों फाइल किया, किसी अन्य कोर्ट में आप क्यों नहीं गए। तो इसका मतलब आपको बताना होगा कि इस कोर्ट में आप इसलिए आए हैं क्योंकि इस कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन बनता है। तो आपको बताना होगा कि किस तरह से या क्यों या क्या ऐसी वजह है कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है आपके इस मैटर को डिसाइड करने के लिए। सो जिस तरह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट की अभी हमने बात की, तो सपोज़ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही किया गया था, तो इसीलिए आप उस कोर्ट के पास आए हैं अपना प्लेंट लेकर के। ओके, नेक्स्ट इज़ द रिलीफ विच प्लेंटिव क्लेम्स। प्लेंटिव जो भी पर्टिकुलर रिलीफ चाहता है कि आप चाहते हैं कोर्ट से कि जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके लिए आप कंपनसेशन चाहते हैं, या कोई अन्य रिलीफ अगर आप चाहते हैं, तो जो भी आप रिलीफ कोर्ट से मांग रहे हैं उस रिलीफ को भी आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज वेयर द प्लेंटिव हैज अलाउड अ सेट ऑफ और रेलिंक्विश्ड एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड और रेलिंक्विश्ड। अब देखिए सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्डर 8 के अंदर। फिलहाल आप इतना समझें कि यदि जो प्लेंटिफ है उसने खुद से किसी पर्टिकुलर पोर्शन को रेलिंक्विश किया है, कि सपोज अगर आप प्लेंट में ये मेंशन करते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वजह से आप वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ जिसकी वजह से आप 10,000 रुपये कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए, बट आप कहते हैं कि नहीं 10 भी नहीं मुझे 8 भी मिल जाए तो भी ठीक है। इस तरह से यदि आप अपना जो क्लेम है उसके किसी पोर्शन को रेलिंक्विश कर देते हैं, खुद से ही कम कर देते हैं, तो जिस पर्टिकुलर अमाउंट को आप रेलिंक्विश कर रहे हैं वो अमाउंट भी आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। जो आपके सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसका वैल्यू भी आप बताएंगे, किस तरह से कि सपोज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप कोई सूट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, डिफेंडेंट कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, या डिफेंडेंट ने ज़बरदस्ती पजेशन लिया हुआ है और आप उस प्रॉपर्टी के पजेशन को रिकवर करने के लिए कोई सूट फाइल करते हैं, तो आपको बताना होगा कि उस प्रॉपर्टी की उस वैल्यू क्या है ना, जो सब्जेक्ट मैटर आपका है उसका वैल्यू आपको बताना होगा। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। एंड देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी आपको इसको क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ड्राफ्टिंग प्लीडिंग पढ़ी है तो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में भी आपने देखा होगा कि प्लेंट में हम क्या क्या लिखते हैं, या अगर ड्राफ्टिंग प्लीडिंग भी नहीं सीखी तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक प्लेंट को आप देख सकते हैं, है ना। अगर एक बार आप प्लेंट देख लेंगे कि प्लेंट कैसे लिखी जाती है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं प्लेंट के कंटेंट, तो अगर आप एक बार देख लेंगे उस प्लेंट को तो आपको आराम से मतलब आप पॉइंट्स वहाँ से समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि सबसे ऊपर आप प्लेंट में कि सपोज़ ये वो प्लेंट का पेपर है तो आप उसमें सबसे ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा होगा कोर्ट का नाम, इधर लिखा होगा प्लेंटिव के बारे में, वर्सेस करके लिखा होगा इधर डिफेंडेंट के बारे में, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, और जो चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं वही बात यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 1 में हमने पढ़ी कि प्लेंट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू, अब देखिए रूल 1 में बेसिक बातें थी, अब उसके अलावा उस चीज़ को ही और एक्सटेंड करते हुए रूल 2 क्या कहता है कि इन मनी सूट। अगर जो आपका सूट है वो मनी से रिलेटेड है, कि आप कहते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्सन को दिया था एज अ लोन, सपोज करते हैं आपने उसको दिया था लेकिन वो आपके पैसे वापस नहीं लौटा रहा है, तो आप अपने उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस मनी को
रिकवर करना चाहते हैं, इस तरह से आपने रिकवरी ऑफ मनी के लिए यदि कोई सूट फाइल किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, अपनी प्लेंट में उस पर्टिकुलर अमाउंट को मेंशन करना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने एक अमाउंट उसको दिया था, उसने वो अमाउंट वापस नहीं किया, तो मुझे मेरा वो अमाउंट दिलाया जाए, लेकिन उस वो अमाउंट कितना है ना, आपको ये भी बताना होगा कि वो अमाउंट कितना है। सपोज़ 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, इस तरह से आपको प्रिसाइजली पर्टिकुलर वो अमाउंट मेंशन करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक ये बात भी याद रखेंगे कि यदि प्लेंटिव स्यू करता है फॉर मेंस प्रॉफिट्स, मेंस प्रॉफिट्स क्या होते हैं, अभी तक अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। ओके, और कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें कि मेंस प्रॉफिट्स क्या होते हैं और किस पर्टिकुलर प्रोविजन में डिफाइन किया गया है इसको। ओके, ये एक तरह से आपकी हेल्प करेगा कि आपको देखते हैं कितना याद है। अगर प्लेंटिव जो है वो किसी ऐसे अमाउंट के लिए कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है जो कि अनसेटल्ड अमाउंट है, या किसी भी ऐसे मूवेबल चीज़ के ले करके, या कुछ ऐसा पजेशन को लेकर के जिसकी वैल्यू जो है वो अभी डिटरमिन नहीं की जा सकती, तो ऐसे सिचुएशन में एक अप्रॉक्स अमाउंट फिर भी मेंशन करना होगा। मींस एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप नहीं बता सकते हैं तो भी अप्रॉक्सीमेटली क्या अमाउंट या क्या वैल्यू आप रिकवर करना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज रूल 2A, दैट इज़ वेयर इंटरेस्ट इज सॉट इन द सूट। अब देखिए, हमने रूल 2 में पढ़ा कि यदि आप पर्टिकुलर मनी अपना रिकवर करना चाहते हैं, अब रूल 2A क्या कह रहा है कि आप उस पैसे को तो रिकवर करना चाहते ही हैं, कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था मैं उसको तो चाहता ही हूँ, बट साथ में उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर इतना इंटरेस्ट भी बनता है, तो वो इंटरेस्ट भी मुझे दिलाया जाए। कि सपोज जैसे हमने पढ़ा 10,000 रुपये, पिछला एग्जांपल मैं आपको बता रही थी कि 10,000 रुपये के लिए आपने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया है, कि मैंने ठीक से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज़ ए क्या कहता है कि ए ने बी को 10,000 रुपये दिए थे एज अ लोन, लेकिन सपोज़ एक साल के लिए दिए थे कि एक साल बाद बी वो वापस कर देगा पैसे, बट बी ने पैसे वापस नहीं करे। अब ए जो है वो क्या करता है, बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करता है और क्या कहता है कि मुझे मेरे 10,000 रुपये वापस दिलाए जाएं। साथ ही 10,000 रुपये तो दिलाए ही जाएं, बट इसके साथ साथ इन 10,000 रुपये के ऊपर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी दिलाया जाए, एक ब्याज भी इस पर्टिकुलर पैसे के ऊपर मुझे दिलाया जाए। तो यदि आप उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कोई इंटरेस्ट भी क्लेम करते हैं, ब्याज भी अगर मांगते हैं, तो आपको वो भी अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन करना होगा। ओके, क्या मेंशन करना होगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्लेम कर रहे हैं। सपोज आप कहते हैं मुझे 5% इंटरेस्ट चाहिए उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, या 6% इंटरेस्ट चाहिए, तो जो भी इंटरेस्ट आप क्लेम कर रहे हैं वो आपको अपनी प्लीडिंग के अंदर, अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन करना होगा। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि किस पर्टिकुलर डेट से वो इंटरेस्ट क्लेम किया जा रहा है। कि जैसे पिछले एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसा वहाँ पर यह था कि एक साल के अंदर बी वो पैसे वापस कर देगा, बट अगर बी ने वो पैसे वापस नहीं किए एक साल के बाद भी, तो 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, उसके बाद अगर ए के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, तो ए ये बताएगा कि एक साल तक तो ठीक है इसने वापस नहीं करे तो मैं 10,000 रुपये ही ले लेता अगर इसने वापस किए होते, बट अब चूंकि 2 साल बीत गए हैं या 3 साल बीत गए हैं तो मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, पर किस डेट से इंटरेस्ट चाहिए वो भी मेंशन किया जाएगा। ऑल्सो द डेट टू विच इट इज़ कैलकुलेटेड। अब आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया
और वो इंटरेस्ट रेट अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन किया. ओके, बट साथ ही आप ये भी बताएंगे कि आपने जो वो इंटरेस्ट है वो किस दिन तक कैलकुलेट किया है. कि सपोज जिस दिन आप प्लेंट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो उस दिन तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो सारा इंटरेस्ट आपने जोड़ करके अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन किया है, या किस डेट तक आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है, ये भी आपको बताना होगा. ओके, सो जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको बताना होगा. नेक्स्ट इज वेदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी तक हमने रूल 2 में देखा रिगार्डिंग मनी सूट्स, रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन दैट मनी. नाउ रूल 3 क्या कहता है कि यदि जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है. कि सपोज ए बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए जो कि बी के पजेशन में है, तो अब ए को क्या करना होगा, प्लेंट के अंदर उस प्रॉपर्टी का एक डिस्क्रिप्शन भी देना होगा. सपोज एक मैप आप देते हैं या प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो प्रॉपर्टी ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, या उसका थोड़ा आप कुछ लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, उसकी बाउंड्रीज बताते हैं, तो ये सब आपको बताना होगा. प्लेंट के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर बाउंड्रीज या प्रॉपर्टी का कुछ नंबर यदि है, ये सब बताया जाना चाहिए. ओके, देखिए क्यों बताया जा रहा है, ताकि प्रॉपर्टी को सही से आइडेंटिफाई किया जा सके, इस बात को क्लियरली समझा जा सके कि किस प्रॉपर्टी के लिए ये सूट इंस्टीट्यूट किया गया है. नेक्स्ट इज रूल 4, वेदर प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव वर्ड पढ़ते ही रिलेट करें, रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने कहाँ पढ़ा था. ओके, देखिए इस तरह से आप पढ़ने का तरीका भी समझिए. ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बस इसको लेक्चर को सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं. आप समझें, दिमाग खोल करके वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह से आपको पढ़ना होता है, ना केवल सीपीसी बल्कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसको भी. जब आप पढ़ते हैं, आपने उस पर्टिकुलर समझिए 10 सेक्शन पढ़ लिए, अब आप 11वें सेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो उस 11वें सेक्शन में अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि आपने पिछले 10 सेक्शंस में पढ़ा है, तो आपको उसी समय उस वर्ड के बारे में जो कुछ भी पहले आप पढ़ चुके हैं वो याद आना चाहिए. अगर आपको याद आ रहा है सो इट्स वेल एंड गुड, यदि नहीं याद आ रहा है तो आप समझें कि आपने जो पिछला पढ़ा है, वो जो पिछले 10 सेक्शंस हैं वो अभी आपने सही से नहीं पढ़े हैं. आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें, फिर से रिवाइज करें, बार बार रिविजन करें. ओके, सो जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है तो आपको याद आना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने कहाँ पढ़ा था. पॉज करें, लिखें कमेंट सेक्शन में. जब आप लिखते हैं चीज़ों को तो और भी आपको अच्छे से याद रहता है. ओके, सो अगर प्लेंटिव रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर के आता है तो उसे ये भी अपनी प्लेंट में मेंशन करना होगा कि ये जो सूट है ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव सूट है. ओके, नेक्स्ट इज रूल 6, फिर आपका इम्पॉर्टेंट है कि ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ. देखिए हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है जिस टाइम पीरियड के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए. यदि आप उस टाइम पीरियड के अंदर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं तो आपका सूट बार हो जाता है. इतना जनरल सिर्फ आप लिमिटेशन लॉ के बारे में समझें कि सपोज आपका कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हुआ है, सो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन से एक पर्टिकुलर आपका टाइम पीरियड आपके पास है, 3 साल 10 साल, इस तरह से डिफरेंट टाइम पीरियड्स आपको लिमिटेशन एक्ट में देखने को मिलेंगे. तो यदि आप उस पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड में सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका ये बार हो जाता है सूट. ओके, तो यहाँ पर लेकिन क्या कहा गया है कि ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ. कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं जो कि लिमिटेशन एक्ट में ही दिए गए हैं जब आपका सूट बार्ड नहीं होता. तो यदि आप ये कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो तो हमारा ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल
हमारे पास कुछ ऐसा ग्राउंड है, कोई ऐसा एग्जेम्पशन है, एक कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से हम जो सूट है उसको विद इन द लिमिटेशन पीरियड इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए या किसी कारणवश, तो आपको अपना वह एग्जेम्पशन का जो ग्राउंड है वो भी मेंशन करना होगा. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू रूल 7. रूल 7 जनरली बात करता है अबाउट रिलीफ, जो कि हमने रूल 1 में भी पढ़ा कि प्लेंट के अंदर ये मेंशन किया जाना चाहिए कि आप कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहे हैं. ओके, नेक्स्ट आपका आता है रूल 9. नाउ रूल 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें अपने बैरेक्ट में, क्योंकि यहाँ से प्रिलिम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे कि काफ़ी बार पूछा गया है. सो रूल 9 क्या कहता है? प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो प्लेंट में लिखे. अब बात आती है कि यदि आपने प्लेंट में सब कुछ सही तरीके से लिख करके और कोर्ट में आप अपनी प्लेंट सबमिट करते हैं, अब कोर्ट आपकी उस प्लेंट को एडमिट कर लेता है कि ठीक है आप कुछ मैटर लेकर के आए हैं हमारे पास, हम सुनेंगे आपकी बात, तो आपकी जो प्लेंट है यानी कि अगर कोर्ट उसको एडमिट कर लेता है तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा. सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर कोर्ट ऑर्डर्स दैट समन्स बी सर्वड ऑन डिफेंडेंट. अब कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है आप प्लेंट लेकर के आए, हम मानते हैं कि हाँ हम आपकी बात को सुनेंगे, और अब क्या किया जाए, डिफेंडेंट को समन्स दिए जाएं. ओके, क्योंकि डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, कोई प्लेंट लाई गई है, तो इसलिए डिफेंडेंट को इन्फॉर्म किया जाए. कैसे इन्फॉर्म किया जाए? समन्स के थ्रू. और समन्स हमने कहाँ पढ़े थे? ऑर्डर 5 में. ऑर्डर 5 रूल 9 पर्टिकुलरली बात करता है अबाउट समन्स. सो किस तरह से समन्स जो है वो भेजे जाएंगे वो भी हमने ऑर्डर 5 में पढ़ा था प्रॉपर डिटेल में. सो कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, हमने आपकी प्लेंट को एडमिट कर लिया है, अब डिफेंडेंट के पास समन्स दिए जाएंगे. लेकिन अब समन्स क्या कोर्ट के खर्चे पर होंगे? नहीं. कोर्ट क्या कहेगा प्लेंटिफ से कि आप क्या करें, एक रिक्वेस्टेड फीस, जो भी प्रॉपर फीस है वो आप कोर्ट में सबमिट करें, और उस फीस से ही, उस पैसे से ही डिफेंडेंट को समन्स जो है वो भिजवाए जाएंगे. तो समन्स को सर्व करने के लिए जो फीस है वो भी प्लेंटिफ को ही पे करनी होती है. ओके, और साथ ही एक और चीज़ याद रखें कि यदि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो कोर्ट ये भी कहेगा कि आप उतने ही नंबर ऑफ कॉपीज लेकर के आए प्लेंट की जितने डिफेंडेंट्स हैं. और ये सब काम कितने दिन में किया जाना चाहिए? विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पर 7 days मार्क करें प्रीलिम्स के लिए, जो कि कई बार क्वेश्चन बनता है. यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, 6 days, 7 days, 14 days, इस तरह से ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं. अब इस पूरे ऑर्डर को, सॉरी इस पूरे रूल को सही से फिर से समझते हैं. देखिए सपोज ए ने बी के अगेंस्ट और सी के अगेंस्ट, ये दो लोग हैं, इन दो लोगों के अगेंस्ट एक प्लेंट फाइल किया किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के. सपोज ए कहता है कि बी और सी दोनों ने मिलकर के ज़बरदस्ती मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे उसका पजेशन दिलाया जाए. सपोज ऐसा कुछ अगर सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, अब ए ने प्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने कहा ठीक है हम आपकी प्लेंट को सुनेंगे, अब ये बी और सी जो डिफेंडेंट्स हैं इनको समन्स भिजवाए जाएं, तो कोर्ट क्या करेगा, ए के लिए ये ऑर्डर करेगा कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप क्या करें, ए क्या करें, दो काम करें. क्या क्या काम? पहला कि जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं, तो कितने डिफेंडेंट्स हैं, 1 and 2, दो डिफेंडेंट्स हैं, तो प्लेंट की 2 copies. ओके, ये समन्स के साथ क्या होता है, समन्स के साथ प्लेंट की कॉपीज भी जाएंगी, तो प्लेंट की 2 copies आप कोर्ट में सबमिट करें, साथ ही आप कोर्ट में वो फीस भी सबमिट करें
जिस जितनी भी फीस लगेगी समन्स को भिजवाने के लिए। तो कोर्ट ने ए को 7 दिनों का समय दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको प्लेंट की 2 कॉपीज भी सबमिट करनी है और साथ ही समन्स भिजवाने के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे भी आपको, वो फीस भी आपको कोर्ट में सबमिट करनी है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब कि किस तरह से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है प्लेंट को एडमिट करने के बाद। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि यदि ए इस बात को फुलफिल नहीं करता है कि जो 7 दिन का टाइम पीरियड था ये बीत गया और ए ने वो फीस ना सबमिट करी और ना ही ए ने जो है वो जो प्लेंट की कॉपीज उसे देनी चाहिए थी वो कॉपीज नहीं दी, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो अभी थोड़ी ही देर में वीडियो को देखते रहें, आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ी ही देर में हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा यदि ऑर्डर 7 रूल 9 का जो ये प्रोविजन है रिगार्डिंग सर्विंग द कॉपीज एंड रिक्वेस्ट आई फीस फॉर समन्स इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ओके, इसको रिलेट करेंगे अभी हम आगे, फिलहाल हम बात करते हैं रूल 10, दैट इज रिटर्न ऑफ प्लेंट। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लेंट को वापस भेज दिया जाए? रूल 9 में तो हमने पढ़ा कि कोर्ट ने प्लेंट को एडमिट कर लिया कि ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन क्या कोर्ट प्लेंट को रिटर्न भी कर सकता है? सो रिटर्न कब कर सकता है? यदि कोर्ट को लगता है कि ये प्लेंट हमारे पास नहीं आनी चाहिए बल्कि किसी और कोर्ट के पास जानी चाहिए थी, हम एक प्रॉपर कोर्ट नहीं है, तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में प्लेंट को रिटर्न कर सकता है टू बी प्रेजेंटेड टू दैट कोर्ट इन विच सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। कोर्ट को लगता है कि ये सूट इस हमारे कोर्ट में नहीं बल्कि किसी अन्य कोर्ट के पास जाना चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। अब रिटर्न करते समय क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? तो जो भी कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न कर रहा है वो उसके ऊपर लिखेगा कि ये प्लेंट हमें इस पर्टिकुलर डेट पर प्रेजेंट की गई, इस दिन हमारे पास लाई गई, इस दिन हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। सो दोनों डेट्स मेंशन की जाएंगी, जिस दिन प्लेंट उस कोर्ट के पास आई, जिस दिन उस प्लेंट को रिटर्न किया जा रहा है, नेम ऑफ पार्टी प्रेजेंटिंग इट, जिस पार्टी ने प्लेंट प्रेजेंट की है, और साथ ही इस रीज़न को भी बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर रीज़न है जिस वजह से हम इस प्लेंट को वापस भेज रहे हैं। सो वो रीज़न भी लिखना होगा। नेक्स्ट इज रूल 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स द डेट ऑफ अपीयरेंस इन कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न। रूल 10A एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहता है कि वेयर इन एनी सूट After the defendant has appeared, देखिए ये कहाँ से निकल के आ रहा है, रूल 10 में हमने पढ़ा कि प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, सूट के किसी भी स्टेज पर। ये ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही रिटर्न किया जाएगा प्लेंट को, समन्स चले गए हैं डिफेंडेंट के पास और डिफेंडेंट अपीयर भी हो गया है, तो उसके बाद भी, डिफेंडेंट के अपीयर हो जाने के बाद भी प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। ओके, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि शुरुआत में ही केवल रिटर्न किया जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे कि एट एनी स्टेज ऑफ सूट प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है किसी भी कारणवश कि प्लेंट रिटर्न की जानी चाहिए तो कोर्ट किसी भी समय प्लेंट को रिटर्न कर सकता है। तो यदि जो डिफेंडेंट है वो अपीयर हो चुका है, उसके अपीयर हो जाने के बाद कोर्ट को लगता है कि प्लेंट को रिटर्न करना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, क्योंकि डिफेंडेंट आ चुका है, इसका मतलब डिफेंडेंट को इस बात की नॉलेज हो चुकी है कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, तो अब जब इस पर्टिकुलर प्लेंट को रिटर्न किया जाएगा और दोबारा से किसी दूसरे कोर्ट के सामने ये प्लेंट जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में एक फ्रेश समन्स देना ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच प्लेंट इज प्रेजेंटेड। किस कोर्ट की बात की जा रही है? जो नया वाला कोर्ट है,
प्लेंट को रिटर्न करने के बाद अब दोबारा से उस प्लेंट को जिस कोर्ट के सामने लाया गया है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो नया वाला कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर डिफेंडेंट को दोबारा से समन्स भेजे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप ऑब्जेक्टिव को समझिए। समन्स को पढ़ाते समय भी हमने डिस्कस किया था कि समन्स को सर्व करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो केवल इतना है कि डिफेंडेंट को ये बताया जाए, एक तरह से उसकी नॉलेज में बात लाई जाए कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। तो इट मीन्स कि अब क्योंकि पहले ही डिफेंडेंट अपियर हो चुका है, तो इसका मतलब उसको ये पता है कि उसके अगेंस्ट कोई सूट आया है। तो अब जब नया, भले ही कोर्ट ही तो बदला है, केवल इतना ही तो हुआ है कि जो पहले वाला कोर्ट था उसने प्लेंट को रिटर्न कर दिया, और अब नया किसी कोर्ट ने उस प्लेंट को एडमिट किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से डिफेंडेंट को समन्स दिए जाएं, केवल एक डेट फिक्स कर दी जाएगी और उस डेट पर दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्हें अपियर होना होगा। ओके, नेक्स्ट इज 10B। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम कि क्या अपीलेट कोर्ट भी सूट को ट्रांसफ़र कर सकता है। सो द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट टू प्रॉपर कोर्ट, कि यदि उसको लगता है कि जो अपीलेट कोर्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेयर ऑन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट उस समय भी उसे रिटर्न कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11, दैट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतने वेरी मैंने इसलिए लगाए क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहाँ दिया गया है। कई बार आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, इस तरह से बहुत क्लोज ऑप्शंस भी आपसे दिए जाते हैं इन MCQ एग्जाम्स। साथ ही ये आपका मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, या केवल शॉर्ट नोट नहीं, आजकल तो देखिए क्या हो रहा है, आपने अगर हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके जो मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अगर देखे होंगे, या पहले भी पेपर्स अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, तो आपने पाया होगा कि जो पेपर का पैटर्न है तो उसमें जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन तक सीमित नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है आपसे केवल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब साथ ही उस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो क्वेश्चन केवल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही उसके साथ एक टेल क्वेश्चन भी जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको 4-5 बार पढ़ के लिखना भी है साथ में, ताकि आपको याद रहे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। क्योंकि यहाँ से जो ग्राउंड्स हम पढ़ेंगे, उन ग्राउंड्स को लेकर के भी MCQ क्वेश्चन कई बार बनता है कि आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ दीज इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, या विच ऑफ दीज इज अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, है ना। तो पढ़ते हैं अब इसको। फर्स्ट ग्राउंड इज वेर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। आपने पूरे प्लेंट में सब कुछ लिखा, प्लेंटिफ का नाम लिखा, कोर्ट का नाम लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन आपने यही नहीं बताया कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तो भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज वेर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बिंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन। जो आपका पर्टिकुलर वैल्यूएशन है, आपने अपने सूट का जो वैल्यूएशन किया या रिलीफ जो भी है आपका, वो अंडर वैल्यूड है। कोर्ट आपसे कहता है कि वैल्यूएशन को करेक्ट करो, तब भी यदि आप अपना जो वैल्यूएशन है उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो भी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप क्या करें, बैरक में हाईलाइट करते रहें ताकि आपको वो केवल पॉइंट से याद रहे। तो फर्स्ट पॉइंट इज
कॉज ऑफ एक्शन याद रखें कि यदि कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया गया. सेकेंड इज यदि अंडर वैल्यूड आपका प्लेंट है. थर्ड इज वेदर रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटर्न अपॉन इनसफिशियंटली स्टेम्ड. यदि प्रॉपरली स्टेम्ड आपका प्लेंट नहीं था. नेक्स्ट इज इफ इट इज इट अपीयर्स कि जो सूट है वो बार्ड है बाय लॉ. बार्ड बाय लॉ का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज रेस जुडिकेटा से आपका सूट बार्ड है. ओके. नेक्स्ट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट. आपने प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपीज फाइल नहीं की हैं. ये देखिए कहाँ से निकल करके आ रहा है. डुप्लीकेट में प्लेंट की कॉपीज फाइल होनी चाहिए. ये हमने पढ़ चुके हैं हम प्रोविजंस, तो पुराने प्रोविजंस के साथ रिलेट करते चलें. नेक्स्ट इज वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9. अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से अब तक बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने जब रूल 9 पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ बने रहें, आगे हम देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा यदि रूल 9 में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको कंप्लाई नहीं किया जाता है. तो जो वहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि कोर्ट क्या करेगा, ए को टाइम देगा कि 7 डेज के अंदर ए की ये ड्यूटी बनती है कि वो कॉपीज ऑफ प्लेंट दे और साथ ही वो रिक्वायर्ड फीस भी सबमिट करे. तो अगर उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ए के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है, वो प्लेंट की कॉपीज सबमिट नहीं करता है, फीस भी नहीं देता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो प्लेंट था वो ऐसे सिचुएशन में प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो यहाँ से आपको ये सभी ग्राउंड्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं. फर्स्ट इज कॉज ऑफ एक्शन, सेकेंड अंडर वैल्यूड, थर्ड इज इनसफिशियंटली स्टेम्ड, फोर्थ इज बार्ड बाय लॉ, फिफ्थ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, एंड सिक्स्थ इज रूल 9 को यदि फॉलो नहीं किया जाता है. तो देखिए यहाँ से मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, एंड सेकेंड आपसे इसमें ही आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस इफ़ द प्लेंटिफ डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड्स को पूछते हुए आगे आपसे क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है कि क्या प्रोसीजर होगा, कि क्या जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है उसके बाद जो प्लेंटिफ है वो फ्रेश प्लेंट कर सकता है या नहीं. तो रूल 13 आपको बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि यदि प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स एज मेंशन्ड अंडर रूल 11. सो ऑर्डर 7 रूल 11 में जो हमने ग्राउंड्स पढ़े, उन ग्राउंड्स के बेसिस पर यदि प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऐसा मतलब नहीं है कि प्लेंटिफ फ्रेश प्लेंट नहीं ला सकता, है ना, कि आपने जो है आपके प्लेंट में कुछ गड़बड़ थी, कोर्ट ने कहा इन गड़बड़ को सही करो, दूसरी प्लेंट लेकर के आओ, या कोर्ट ने आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया. तो रिजेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका राइट ही ख़त्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते. आप अब क्या कर सकते हैं, एक फ्रेश प्लेंट प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, उसी मैटर को लेकर के आप एक फ्रेश प्लेंट फाइल कर सकते हैं. सो रूल 13 से भी आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है. ओके. ये स्टेटमेंट लिख करके आपसे पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स, या इसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और मेंस का तो मैंने आपको बार बार बता ही रही हूँ कि पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और आगे इसमें क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है यहाँ से लेकर के कि क्या प्लेंटिफ प्रिक्लूडेड है कि वो नया प्लेंट ला सकता है या नहीं ला सकता आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. तो ये आपसे पूछा जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज रूल 14, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ सूज और रिलाइज. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पर प्लेंटिफ अपना सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है या जिनके ऊपर वह रिलाय कर रहा है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा. तो देखिए अगर प्लेंटिव जो है वो अपने सूट को
किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट करता है, तो प्लेंटिफ की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्लेंट के साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट भी बनाएगा कि मेरा जो ये पर्टिकुलर सूट है ये मैंने इंस्टीट्यूट करा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, कि हमारे बीच में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ये कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। तो आप जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट की बात आपने लिखी, मीन्स किसी डॉक्यूमेंट की बात आपने लिखी, तो आपको क्या करना होगा, उस डॉक्यूमेंट को भी अपने प्लेंट के साथ लगाना होगा, है ना, प्रेजेंट करना होगा, कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। ओके, और हम ये नहीं कह रहे कि ओरिजिनल, यहाँ पर लिखा है कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट, तो सही से इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और यहाँ से प्रिलिम्स का ही क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, ज़्यादा कुछ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और हाँ एक ही है और याद रखेंगे आप कि नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ्स विटनेसेस, कि जो भी हम इस पर्टिकुलर रूल में, रूल 14 में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, दिस डज नॉट अप्लाई फॉर द डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो वो डॉक्यूमेंट्स जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए लाए गए हैं, तो उसको तो उसी समय प्रोड्यूस किया जाएगा जिस समय मेमोरी रिफ्रेश करनी है, है ना। अब रिफ्रेशिंग मेमोरी हम कहाँ पढ़ते हैं, ये एविडेंस से आपका रिलेट करता है, तो यदि आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है तब तो आप जानते ही होंगे, और नहीं अगर पढ़ा है तो ज़्यादा अभी ना ध्यान दें, मतलब इसको केवल आप रिफ़र कर सकते हैं टू एविडेंस एक्ट। अगर आपने पढ़ा है तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखें किस सेक्शन में दिया गया है, अदरवाइज जिसने नहीं पढ़ा तो सेक्शन 159 ऑफ एविडेंस एक्ट को आप रेफर करेंगे फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बेसिकली ये बात की जा रही है कि जिस समय सूट हमारा आगे जब चलेगा, जिस समय एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा, तो वहाँ पर जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उन डॉक्यूमेंट्स को प्लेंट के साथ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपसे जो एक्सेप्शन यहाँ पर एक तरीके से दिया गया है, ये एक्सेप्शन से रिलेटेड आपसे प्रिलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इज रूल 16, कुछ ये खास नहीं है, 16, 17 एंड आपका रूल, हाँ तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनका आप केवल ऐसे ही एक बार सिर्फ रीड कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनने के कुछ खास चांसेस नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और यदि आपको हेल्पफुल लगता है हमारा चैनल, हमारा द्वारा हम जो भी कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको वो हेल्पफुल लगता है सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सभी अपकमिंग वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम पे मिलता रहे। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप कनेक्ट वहाँ पर हो सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपको सभी वहाँ पर जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स काफ़ी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अस एट इंस्टाग्राम, आई थिंक आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर आपको सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई थिंक द वीडियो वाज हेल्पफुल, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।